गुड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास चालू कर। गुड मॉर्निंग। ओके विल नाउ गोइंग टू यस माइंड द जर्नी। मैम कैन आई डू प्रेयर? यस स्टार्ट गोइंग प्रेयर। चलो समवन प्लीज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। थैंक यू किरणा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू न्यू टेक ग्लोबल स्कूल। दिस इज यू नेहा मैम। वेलकम मैम टू आवर होम। थैंक यू। ओके नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव डन इन लास्ट क्लास। मैम हमने एक्सरसाइज की थी। यस 10.1 विद द चैप्टर टाइम राइट। सो एनी क्वेरीज इन 10.1? नो मैम ऑलरेडी वी हैव डन। ओके जितने जितने क्लॉक बना के भेजी थी, क्लॉक बना के अभी तक तो किसी ने नहीं। मैंने बोला दिवाली की बात बनानी है बच्चा, आप जब स्कूल आओगे तो लेके आना है आई होप राइट। अभी ऑनलाइन फोटोज नहीं चाहिए मुझे, है ना। ओके सो यस्टरडे वी हैव डन दैट ऑल राइट। होमवर्क ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड। इवन वी हैव डन रिविजन ऑफ चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन। एनी प्रॉब्लम इन मल्टीप्लीकेशन? नो मैम। No, ma'am. No, 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 no. Homework done, all done. Homework also done. Okay. And today we are going to start reading and writing time. We are going to learn reading and writing time from page number 182. So take out page 182. Now, मैम आज भी कम करवाऊंगे। हाँ आज तो आपको दिखाऊंगी। आज ऑलरेडी वी हैव व्हाट वी हैव डन वही सब है, डोंट वरी राइट। हाँ हमें नोटबुक में लिखना है बट आज हम नहीं लिखाएंगे राइट। आफ्टर वेकेशन वी आर गोइंग टू राइट दिस अबाउट दिस टॉपिक डिटेल्स में हम लिखेंगे नोटबुक में बट नॉट नाउ राइट। अभी आपको समझना है और समझ के आपको एक्सप्रेस करनी है। When we come then, बिना पढ़ाई डाउट हो गया। हमें स्कूल कौन से डे आना है? डे वो डाउट नहीं है, वो मुझे नहीं पता होता ऐसा डाउट राइट। वो सारे डाउट मुझे बिल्कुल नहीं पता होता है। ओके मुझे मैथ्स के डाउट पूछो वो पता होता है। स्कूल कब खुलेगा कब बंद होगा वो डाउट मुझे नहीं पता होता है। ओके बच्चा नाउ कम बैक। व्हेन डू दिस स्कूल टुडे एट 8:38। नाउ आज हम लर्न करेंगे इस टॉपिक में कि टाइम को कितनी तरह से हम रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। वी आर रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन डिफरेंट वे। दे आर 3 डिफरेंट वे जिससे हम टाइम रीड करते हैं और लिखते हैं। तो आज हम वही टॉपिक लर्न करेंगे हाउ टू रीड एंड राइट टाइम इन डिफरेंट वे राइट। नाउ यस्टरडे वी हैव सीन द क्लॉक। आपको मैंने क्लॉक दिखाया। How many numbers are there? 12. 12 numbers are there? Now, जब भी हम क्लॉक बनाए यूज अ स्केल राइट। अगर आपको नोटबुक पर करना है तो यूज अ स्केल। प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन अच्छे से होनी चाहिए। दैट विल बी राइट। प्रॉपर नहीं होगी। नो नो जस्ट देखना है, कुछ लिखना नहीं है। एग्जैक्ट 12 के नीचे आपका 6 आना चाहिए अपोजिट। 3 के अपोजिट
9. Now, we have learned कि हम मिनट्स कैसे काउंट करेंगे, राइट? मिनट्स कैसे काउंट करेंगे? तो वन मिनट है, टू मिनट, फाइव, टू मिनट, थ्री, फोर, कम ऑन स्पीक अप, फाइव, 25, सिक्स, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 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 55
क्लॉक टाइम बच गया राइट। जब 15 में आता है तो हम क्या बोलते हैं, जब 15 में आया तो हम क्या बोलते हैं मैम, जब 30 में आया तो क्या बोलते हैं मैम, जब 45 में आए तो हम क्या बोलते हैं, वाटर मैम, वाटर टू, 45 में आए तो क्वार्टर टू, 50 में आए तो क्वार्टर पास, 30 में आए तो हाफ पास, और 60 में चला गया तो क्लॉक। मीन पूरा घड़ी में क्या बचता है मैम, सब बोलोगे तो सबको डिस्टर्ब होगा, एक को नहीं, एवरीवन विल गेट डिस्टर्ब राइट। दिस इज थिंग नाउ मैम, व्हाट यू आर टेलिंग अगेन मैम मैम मैम, कंटिन्यू बोल रहे हो, बोलो उसके बाद मैम। है ना मेरे जो नोटबुक है ना मैथ्स की, उसमें जो 7.10 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर सी है वो मुझे समझ नहीं आया। वो चैप्टर हमारा सबका हो गया, उसके बाद एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया है, उसके बाद एक चैप्टर और कंप्लीट। हु इज दिस, टेल मी दिस, हु इज दिस गर्ल, मैम आदिया। वेरी बैड आदिया, क्लास में आपको आना नहीं है, और जब चैप्टर 7 कब का खत्म हो गया, उसके बाद चैप्टर 9 खत्म हो गया, आज हम 10 कर रहे तब आपको याद आया कि मुझे वो नहीं आया। वेरी वेरी अभी प्लीज, आपकी आदत क्या है, जब हम वो करवा रहे थे तो आपको कुछ और डाउट था, अभी ये करवा रहे हैं तो वो डाउट है, उसके बाद इसमें भी डाउट आएगा, क्योंकि जब समझाती हूँ तब आप समझते नहीं हो ये वाला, तब आप दूसरे टॉपिक का, दूसरे चैप्टर का डाउट लेके आते हो, और अभी मैं ये अच्छे समझा रही हूँ, कंटिन्यू आप मैम 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 बोल रहे हो, इट मीन्स ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट कुछ रिविजन करेंगे तब आपको याद आएगा मैम वो नहीं आया समझ में, क्योंकि जब मैम ये करवाते हैं तो आपका ध्यान किसी और चीज में होता है, नॉट यूजिंग योर ब्रेन, कि जो मैम करवा रहे वो हम क्लियर करें, हमारा रिविजन टर्म आएगा तब हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद चैप्टर के बाद भी मैंने आपको पूछा था कि कोई डाउट, तब भी नहीं बोला। 4 days आपने क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि आपको लिंक ही नहीं पता है, आप ग्रुप में मैसेज पढ़ते ही नहीं हो ना, आप फ्रेंड से पूछते हो क्या करना है मुझे, 4 to 5 days आप कंटिन्यू नहीं आए थे बिकॉज आपको लिंक पता नहीं थी, उस समय एक्टिव नहीं होते हो, अभी क्लास में एक्टिव हो रहे हो जब जरूरत नहीं है आपको। टाइम कब तक चल रहा है नाउ मेजरमेंट, जो 2 वीक पहले कंप्लीट हो गया हमारा, नाउ मीट ऑल अदर 5 मिनट का इंटरवल हमें आपको बताया कि 15 में आता है तो क्या बोलते हैं, 45 में आता है तो क्वार्टर टू, 30 में आया हाफ पास, क्या हो गया तो ओक्लॉक, इट मीन 12 में अगर मिनट है, दिस ऑल आर डन बाय मिनट हैंड, इसमें सबसे बड़ा बिग रोल किसका है, बिग हैंड का, मिनट हैंड का रोल है राइट। मिनट हैंड आवर हैंड अगर 3 में है, अगर मिनट हैंड को ही ऑब्जर्व करते हैं, मिनट हैंड को ही ऑब्जर्व करते हैं 12 में तो 3 o'clock,
टू में है तो 3:10, फोर में है तो 3:20। तो द रूल इज प्लेइंग सबसे ज्यादा रोल किसका है, मिनट हैंड का ही रोल ज्यादा प्ले हो रहा है, राइट। मिनट हैंड को ही हमें ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सारा टाइम सेट होता है, राइट। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग टाइम, जैसे हमने देखा कि हम रीडिंग एंड राइटिंग टाइम वी कैन लर्न इन थ्री डिफरेंट वे, थ्री टाइप से हम रीडिंग कर सकते हैं और टाइम को लिख सकते हैं, ओके। नाउ वेनू इज स्कूल टूडे 8:38, राइट, 8:38 AM बोल सकते हैं हम, राइट। नाउ इसको अनदर वे हम कैसे लिखेंगे, एनीवन? 8:38 मतलब मैम 38 मिनट्स past 8। वेरी गुड, वेरी गुड। जब 8:38 पार हो गया, द स्मॉल इंटरवल बिटवीन 8 and 9, राइट, बिटवीन 8 and 9। नाउ 38 मीन्स 35, 36, 37, 38, 39, 40। इट मीन्स 38, तो आपका 35, 36, 37, 38। ये वाला 38, राइट। तो 8:30 में 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 मिनट्स past 8 का 38 मिनट्स past हो गया, 38 मिनट्स 8, राइट। और हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ ये वाला मूवमेंट अब चालू रहेगा और अभी क्या बजने वाला है, 8 के बाद 9 बजेगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं 38, इट मीन्स पूरा 60 तक पहुंचना है, तो 60 में 38 को माइनस कर दो, राइट, माइनस करेंगे वी विल गेट 22 मिनट्स 29, मीन्स 9 बजने में 22 मिनट बाकी है, ये अगर पूरा घूम गया अगर, तो ये पूरा मिनट क्रॉस करेगा तो 22 मिनट बाकी रहेगा इसको 9 बजने में, तो वी कैन राइट 8:38 लाइक दिस, वी कैन राइट 38 मिनट्स past 8, 8 का 38 मिनट पास हो गया, वी कैन ऑल्सो से 22 मिनट्स टू 9, 9 बजने में 22 मिनट बाकी है, क्लियर? क्लियर मैम, मैम वी कैन डू दिस 8:38 एंड वी हैव टू प्लस नियर द 60, तो नंबर विच वी एड टू 60 इज 22. इट्स नॉट एडिंग, 60 नंबर चाहिए, ये अगर 60 हो गया, 8:38 अगर 60 हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नो मैम, आई एम सेइंग दैट 38 के बाद सारे नंबर मतलब सारे नंबर गिनो, तो उंगलियों में जितने नंबर आएंगे वो नंबर लिखना है ना, जैसे कि 38 टू 60 हम गिनते हैं तो 22 आया। यस, 60 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, 9 बजने में कितना मिनट बाकी है, 38, अगर 8:30 होता तो आपको पता है 30 मिनट बाकी है 9 बजने में, पर ये 38 है, राइट, तो इट मीन्स 39:40 में पहुंचे, राइट, 2 मिनट, फिर यहाँ से 10 मिनट्स 50, यहाँ से 20 मिनट, इट मीन्स 20 plus 2, 22 मिनट, और यू कैन काउंट 38, 39, 40, 2 मिनट, फिर 40 to 45, 5 मिनट, 45 to 50, 10 मिनट, 50 to 55, 15 मिनट, 55 to 60, 20 मिनट, और ये 2 मिनट, 22 मिनट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक्सक्यूज मी मैम, नाउ समवन प्लीज रीड दिस, विनी गांधी आर यू देयर? यस मैम, रीड दिस वन। ओके मैम,
quarter hour, 15 minutes. Half an hour, 15 minutes. Three quarters, 45 minutes. 1 hour, 60 minutes. Very good. Thank you, bachcha. It means, जब हमने घड़ी को बनाया yesterday as a goal, ये पूरे उसको divide equally four parts में divide कर रहे हैं, right? Now, excuse me, ma'am. Four parts divide कर, it is one half. ये जो part है, इसको बोलते हैं quarter, right? एक quarter मतलब 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Means एक quarter में कितना minutes होता है? कितना मिनट होता है एक क्वार्टर में? 15 मिनट. तो क्वार्टर आवर मतलब पूरा घंटा में क्वार्टर निकाल दी. यू नो क्वार्टर मीन्स चार का एक पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, राइट? कोई भी चीज का फोर पार्ट करते हैं उसका एक पार्ट को वन फोर्थ इज नोन एज क्वार्टर. तो वन फोर्थ इज नोन एज क्वार्टर. यहाँ क्वार्टर इज इक्वल टू 15 मिनट. वन क्वार्टर इज इक्वल टू 15 मिनट. तो टू क्वार्टर हो गया तो 15 प्लस 15. टू क्वार्टर मतलब हाफ एन आवर, दैट इज 30 मिनट. 15 प्लस 15, 30 मिनट. थ्री क्वार्टर मतलब 15 प्लस 15, 45 मिनट. 1, 2, 3. थ्री क्वार्टर्स मीन 45 मिनट. थ्री क्वार्टर्स मीन 45 मिनट. यस. अब यह हो गया तो अनदर 15 मिनट, दैट इज फोर क्वार्टर मीन 15, 15, 30, 60 मिनट. तो पूरा रोटेशन हो गया 60 मिनट का. तो इसलिए हमने जब क्लॉक को डिवाइड किया फोर पार्ट में, वी आर गेटिंग 15, 15, 15, 15. दैट इज वन क्वार्टर इज इक्वल टू 15 मिनट, राइट? मैम, मैम, वी हैव फोर क्वार्टर. मैम, जस्ट अ मिनट, एक एक करके. यस, हु इज दिस? फर्स्ट टेल मी योर नेम. अच्छी. यस अच्छी, बोलो. मैम, यहाँ पे ना हमारे 60 मिनट्स में फोर क्वार्टर बने, जिससे जिससे 15 मिनट है. तो टेबल हो रहा है 15, 4, 60. यस बेटा, 15 एंड 5 का टेबल हमने देखा रिलेटेड ही है. 15 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, राइट? दे आर रिलेटेड. 15 का हो गया, 15 1 15 2 15. रीजन 15 4. यस. एंड 5 का टेबल, राइट? ओके. नाउ अच्युत, रीड दिस टू हेडलाइंस, दिस टू. ओके मैम, जस्ट ओके. यूज द वर्ड टू टू शो दैट इट इज बिफोर अ सर्टेन टाइम. Use the word to show that is after a certain time. Very good. Use the word to. अगर कोई certain time बजने वाला है, यानी कि 5 बजने वाला है, 6 बजने वाला है, अगर कोई कुछ का time बजने वाला है, then हम to use करते हैं. Quarter to 5, quarter to 6, 20 minutes to 9, जैसे yes. Suppose 8:51, right? 8:50 बज रहे हैं. इसके बाद क्या बजेगा 8:50 के बाद? 9. We can say 10 minutes to 9. 10 minutes to 9. कुछ बजने वाला है, कुछ बज गया है. तो जो नंबर है वो बज गया है, मतलब 50 मिनट 8 के पास हो गए. तो हम इसको 3 में कैसे बोलते हैं? 8 o'clock. यस, एक तो हम बोलेंगे 8:50 AM या PM, जो भी हो. सेकेंड, वी कैन टेल 10 minutes to 9, क्योंकि 9 बजा नहीं है, बजने वाला है, इसलिए 2 लगाएंगे. और हम बोल सकते हैं 50 minutes past 8, क्योंकि 8 मिनट पास हुआ है, 9 तो भी बजेगा. जो बजने वाला है उसमें 2, जो बज गया है उसका पास्ट. 50 मिनट 8 का चला गया है, तो 50 मिनट पास्ट 8 का 50 मिनट पास्ट हो गया है. दैट्स व्हाई हम यहाँ पास्ट लगाते हैं, क्योंकि 8 का बज गया है. और जो बजने वाला है
नौ बजा नहीं है, एट के बाद नौ बजेगा, कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट, क्योंकि 60 हो गए, जैसे ये 60 हो गया वैसे ही 9 बज गया, हम 8:60 कभी नहीं लिखते हैं, हमें 9 ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो 10 मिनट बाकी है तो हम लिखेंगे 10 मिनट टू 9, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, जो बाकी है तो सर्टेन टाइम बजने वाला है, दैट इज 2, बज गया, चला गया, फास्ट हो गया, दैट इज फास्ट। एनी डाउट टिल नाउ? यस मैम, आई नो, बोलो, नो डाउट। ओके, जिसको डाउट है प्लीज बोले। मैम आपने ये समझाया कि 22 मिनट 9 उसने ना मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि है ना हमारे उपले वाले माले पे ना कंस्ट्रक्शन कर चल रहा है, इसीलिए बेटा वो मेरी गलती तो नहीं है बच्चा, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे कि मेरे पास आओगे तो मैं कैसे कराऊंगी बच्चा, हर एक बच्चे को अगर 30 बच्चे को 30 रेप की प्रॉब्लम होगी तो हमारे 30 मिनट तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी। नाउ स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 10.2, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 10.2। मैम माई डन क्यों ने पटेल 10.2। वेरी गुड। मैम मुझे क्वार्टर टू और क्वार्टर फास्ट समझ में नहीं आया। Who is this? Brinsy. Brinsy, ये चार बार मैंने समझाया, आज थर्ड लेक्चर आई थिंक है और थर्ड टाइम मैंने ये पूरा क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर टू ही समझाया है। नाउ सी द वीडियो एंड समझो, ये 3 टाइम्स मैंने सेम थिंग सेम टॉपिक, फर्स्ट डे भी मैंने यही समझाया था, सेकेंड डे भी समझाया, थर्ड डे भी मैंने समझाया। नाउ स्टार्ट डूइंग, हम एक एक बच्चे के लिए मैं एक एक डाउट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, कुछ नया हो कुछ अभी आज समझे वो नहीं है तो ज्यादा लगे, बट आपने वही चीज आपको नहीं आता जो मैंने फर्स्ट डे में करवाया, इवन सेकेंड डे मैंने रिपीट किया कि क्वार्टर क्या होता है, दैट नॉट पॉसिबल कि अभी मैं क्वार्टर करवाऊ फिर आपको मिनट टू करवाऊ, क्लास पे ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी जस्ट अच्युत ने रीड किया क्वार्टर, सॉरी विनी कार्य ने रीड किया और उसके बाद मैंने फिर समझाया कि क्वार्टर आवर क्या होता है, कल एक्टिविटी करवा के आपको मैंने क्वार्टर टू क्वार्टर पास करवाए, दैट्स व्हाई मैंने क्लॉक मंगाई थी, तो उसको वो भी आप नहीं करते हो, क्लॉक मंगो के मैंने एक्टिविटी करवाई उसमें भी सबका बच्चे करता, ऑलमोस्ट बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर आपको वैसे एक्टिव होना नहीं है, क्लॉक लेके बैठना नहीं है। नंबर ए इज क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज इजी ए बी सी ऑल, आपको जस्ट क्लॉक बनाना सॉरी हैंड बनाने हैं 124 राइट, देन 66 देन 1156। मैम क्यों ना पटेल मेरा वर्क हो गया, दिखाऊं मैं आपको मैम? यस बेटा, मैम देखो, वेरी गुड, ओके अब चेक करो जब मैं करवा रही हूँ तो, राइट नाउ चेक फ्रॉम माय बुक, ए इज ऑलरेडी गिवन 748 राइट, बी इज यू हैव टू राइट इन वर्ड राइट, व्हाट इज बी 336, नंबर बी इज 3 लिखना है आपको ऐसे 3 2 डॉट 36 और वर्ड में लिखना है 336। सी इज 816 वर्ड में यू हैव टू राइट 8
16. जब भी हम टाइम लिखेंगे तो आवर एंड मिनट शुड बी डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए. ये आवर है, ये मिनट है, एक साथ हम नहीं लिखते. वर्ड्स में हम एक साथ लिखते हैं बट नंबरिंग में हमें अलग अलग लिखना है. इट शोज के थ्री अलग है, 3 hours 36 minutes. ये डॉट इज कंपल्सरी. दिस टू कॉलम यू हैव टू गिव. नंबर 3 इज यू हैव टू राइट रीड द डैम लुक राइट इन 3 ways. 3 ways में मैम मैं 8.28 डन. मैम मैम 8.2 हम कहाँ करवा रहे हैं मैम? सॉरी सॉरी 10.2. ओके चेक करो, जब मैं करवा रही हूँ तो चेक करो. 319 ये कैसे लिखना है? ये आई एम शोइंग यू राइट. Now, the time you can see in the clock, it is 3:19. 4 बजने में कितना मिनट बाकी है? 4 कब बजेगा? जब ये 60 हो जाएगा. जब ये 60 हो जाएगा तो 60 में से 19 माइनस कर दो. कितना आएगा? क्योंकि 4 कब बजेगा? जब 360 हो जाएगा तब हम लिखते हैं 4 बज गया. तो 60 में से 19 तो हो गया है. तो 19 को माइनस कर दो 19, राइट? और हम इजीली करते तो 19 के बाद 20 आएगा. दैट इज 1 मिनट यहाँ है, ये 1 मिनट रखो अभी, 1 मिनट देखिए 20 आएगा. उसके बाद 30, 40, 50, 60, 10, 10, 10, 20, 30, 40, प्लस ये वाला 1, 41. आया समझ में? इजी ट्रिक. 19 हमने ब्रेकिंग वाला किया है, पता है? तो 19 को 20 बना दिया, 1 मिनट ले लिया, राइट? 20 हो गया. 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 40 प्लस 1, 41. तो 51 मिनट टू 4, मतलब 4 बजने में 40 मिनट बाकी है. 10 मिनट पास 3, 19 मिनट पास 3. 3 वे में आपको टाइम लिखना है. 3 वे में आपको टाइम लिखना है. मैम बी में मेरे को डाउट है. बी में 9:40 है, पर नीचे दो ब्लैंक है, उसमें वही टाइम लिखना है 9:40. आई एम डूइंग दैट. वेट, बी में करवा देती हूँ. व्हाट इज द टाइमिंग फॉर बी? इट इज 9:38. क्या टाइम है? 9:38. ओके, अब 10 मिनट 9 के बाद क्या आएगा बच्चा? 10. 10 मिनट टू 10 और 10 मिनट पास 9, राइट? पास कितना हो गया? यू नो 38 मिनट पास हो गया 9 का. और 38 के बाद जब ये 60 बनेगा तब ये 10 o'clock हो जाएगा. तो कितना मिनट बाकी है 10 बजने में? 60 में से 38 माइनस करो. मैंने वही बोला 38 को 40 बना लो, यानी कि 2 मिनट 40, देन 50, 60, 10, 20, 22. सब्ट्रैक्ट करोगे 22 आ जाएगा. कंप्लीट दिस. Done, ma'am. Done, ma'am.
डन मैम। मैं ये बी सी वन में व्हाट इज द टाइम मैम? मैम मैम बच्चा नाउ रेस्ट इज योर होमवर्क। मैम सी वन में व्हाट इज द टाइम? इट्स ओवर बच्चा। हाँ मैं नहीं दे सकती। मैम सी वन में व्हाट इज द टाइम? सी वन यू हैव टू डू योर होमवर्क बच्चा, ट्राई करो अपने होमवर्क के लिए। ए एंड डी आई हैव डन, सी आपका होमवर्क है डन। इट्स 7:36 7:36 है बच्चा। चल 12:20 में मैं आती हूँ। 8:09 को मेरे से काम है तो 12:20 मेरा तो होगी 6 का खाली 6:07 का बता देना। 6:07 का ओके। चलो गिव मी योर अटेंडेंस। Naksh, I am Rishvi. Naksh, I am present, ma'am. Rishvi, I am Rishvi. Army Dayapant. Army Bavarwai is present, ma'am. Chandpurasha is present. He Balodi is present. Okay. Atharva Adhya Ansh. Atharva Chauhan is present, ma'am. Yes, those who have finished, they can eat. Who is this ATG? Treya Detroja, Pallavi Giri. Present, ma'am. Avya Joshi. Dhyani Giri. Yes, ma'am. Dhyani Giri is present, ma'am. Okay, Ansh Kotiya, Man Kotiya. Ansh Kotiya is present, ma'am. Samar Achyut. अजित पड़ोलिया इज प्रेजेंट मैम। बाय मैम। बाय बच्चा। प्रिंसी क्यों ना? प्रिंसी मानवी ऋषिका। मैं पटेल इज प्रेजेंट मैम। मैं जी आई प्रेजेंट मैम। बाय मैम। ओके बाय। अमृता भाविका रेशमा। भाविका सिन्हा इज प्रेजेंट मैम। ओके बच्चा। रेशमा श्री इज प्रेजेंट मैम। हु इज दिस बेटा? रेशमा श्री। रेशमा चलो। माही जैनम दे जैनम माही का जन्म प्रेजेंट मैम। माही मैम।